हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेनोवो के प्लस के बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम पहले नए अपडेट का नोट रिलीज कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं उसको रिलीज करने के बाद भी यहाँ पे हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। आखिरकार लेनोवो फोरम क्या कर रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब इसका अपडेट जो है 5 जनवरी 2018 का नया सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है 5 नवंबर 2018 का। और यहाँ पे अगर हम उस अपडेट रिलीज नोट की बात करें, तो वहाँ पे हम लेनोवो हेल्प पे जाते हैं और देखते हैं वो अपडेट जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी भी हमें ये ओटीए के थ्रू देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं लेनोवो केट प्लस, और यहाँ पे लेनोवो केट प्लस न्यू अपडेट को हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 23 जनवरी 2019 को जो है ये नोट रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे अभी भी हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या नए नए इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की, जो कि 5 जनवरी 2019 का हो जाता है, तो ये अपडेट हमें शायद हो सकता है अगले वीक में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं इस अपडेट में। तो यहाँ पे हमें केवल स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स ही देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। तो ये अपडेट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो वेट करते हैं इस अपडेट का।